इनहेरिटेंस इन जावा, इसके अंदर हम इक्वल्स मेथड के बारे में पढ़ेंगे। इक्वल्स मेथड मतलब ये स्ट्रिंग क्लास का इक्वल नहीं है, ये इनहेरिटेंस क्लास का इक्वल्स, ऑब्जेक्ट क्लास का इक्वल्स है। देखते हैं इसका एग्जांपल से। ठीक है, अभी मैं यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट है, एम्प्लॉय, ऐसा बनेगा। तो आप देखेंगे तो उसके मेंबर्स नेम और आईडी है, तो ऑब्जेक्ट बनते जो ऑब्जेक्ट के लिए वो नेम आईडी मेंबर्स बनेंगे, और उसके बाद जो वैल्यूज में दिया वो वैल्यूज को या कंस्ट्रक्टर लेके उसको इनिशियलाइज कर दिया, और उसका एड्रेस आ गया ई वन में। ऐसा ही और एक ऑब्जेक्ट मैं बनाया, तो ऐसा ही और एक ऑब्जेक्ट बनेगा, तो उसका एड्रेस समझो 3000 है, तो वो ई टू में रहेगा। तो अब जाके मैं कंपेयर कर रहा हूँ ई वन डॉट इक्वल्स ई टू, तो ये स्ट्रिंग क्लास का इक्वल्स तो नहीं कॉल होगा, क्योंकि हमारे जो ऑब्जेक्ट यूज़ करके हमें कॉल कर रहे हैं वो देखना है। ई वन, ई वन क्या है, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो एम्प्लॉय में जाके देखा तो इक्वल्स मेथड है ही नहीं है। तो इक्वल्स मेथड कोई भी क्लास के अंदर जिस ऑब्जेक्ट से हम कॉल कर रहे हैं उस क्लास के अंदर वो मेथड नहीं रहेगा, तो उसके सुपर क्लास में सर्च करेगा। इसका तो सुपर क्लास यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, कोई क्लास इसके अंदर एक्सटेंड हुआ, तो एक्सटेंड हम नहीं करें तो भी एक्सटेंड हो जाता है, एक क्लास है वो क्लास का नाम है ऑब्जेक्ट क्लास, वो पूरे क्लास में एक्सटेंड होता है, वो प्री डिफाइंड क्लासेस हो या यूजर डिफाइंड क्लासेस हो, पूरे क्लासेस में वो क्लास एक्सटेंड होता है। तो आप इसका सुपर क्लास समझना ऑब्जेक्ट क्लास, या ऑब्जेक्ट क्लास में ये इक्वल मेथड है वो कॉल हो जाएगा। अभी यहाँ देख सकते हैं इसका डिक्लेरेशन इक्वल्स, ये रिटर्न क्या करेगा, बुलियन। जब ये बुलियन रिटर्न करेगा तो हमें लेफ्ट साइड में, जब वो फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें लेफ्ट साइड में बुलियन वेरिएबल लिखना है, क्योंकि वो हमको वापस क्या करेगा, यहाँ देखे तो पता चलता है कि यहाँ बुलियन वेरिएबल। अच्छा, हम ये ऑब्जेक्ट से कॉल किए तो इसमें नहीं था, ऑब्जेक्ट क्लास का इक्वल्स कॉल हुआ, हमें क्या पास कर रहा हूँ, देखिए उसे मैं क्या दे रहा हूँ, उसे ई टू दे रहा हूँ। तो जब हमें क्या देना है यहाँ देखा तो पता चलता, तो यहाँ क्या है, एक वेरिएबल है, उसका टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट। समझ जाना ऑब्जेक्ट क्लास का वेरिएबल होगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट उसे पास कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट पास करने का मतलब क्या है, वो सबका सुपर क्लास है, सुपर क्लास का वेरिएबल, कोई भी ऑब्जेक्ट को रेफर कर सकता है, कोई ऑब्जेक्ट को ले सकता है। अब तुम्हें ये कोई भी ऑब्जेक्ट को आप उसे पास कर सकते हैं, सुपर क्लास है, तो सुपर क्लास के वेरिएबल्स कोई भी ऑब्जेक्ट को रेफर कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं, समझिएगा। तो मैं पास कर दिया, वो हम ये अब रिजल्ट क्या देगा, फॉल्स देगा, इसलिए फॉल्स देता है। तो ये दोनों के कंटेंट्स तो सेम थे, जेम्स 50, जेम्स दोनों के कंटेंट तो सेम थे, फिर भी ये फॉल्स क्यों दिया, वो नहीं देखता है। ई वन में क्या है देखता है 2000 है, ई टू में क्या है 3000 है, वो देखता है, वो उसमें 2000 इसमें 3000 फॉल्स, वो ऑब्जेक्ट को इतना ही देखता है, ये कि ऑब्जेक्ट एड्रेस दोनों में रहना चाहिए। तो इसे आप ऐसा लिखो, इसको कमेंट कर दो, कमेंट करने के बाद आके ई वन दे दो इसे सेमी को, ऑब्जेक्ट नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, ये ऑब्जेक्ट का एड्रेस ई वन में है ना, वो ई टू को दे दीजिए। तो दोनों में ई वन में भी 2000, ई टू में भी 2000 ही रहेगा, दोनों इसी को रेफर कर रहे हैं, इसी लाइन आएगी, तो तब जाके ये ट्रू देगा। बस ये यही देखता है, ये कि ऑब्जेक्ट दोनों से रेफर होते रहना है। अभी हम देखेंगे तो क्या है, इसका फालसी आएगा, ये कंटेंट्स नहीं देखेगा, ई वन में इसका एड्रेस है, ई टू में इसका एड्रेस है, फालसी आएगा, फालसी प्रिंट हो जाएगा। नहीं, आप चाहते हैं कि सर दोनों का कंटेंट सेम है तब तो इसका ट्रू आना चाहिए, तो वो तो नहीं दे रहा है ट्रू। आप चाहेंगे तो आप डिफाइन कर लीजिए, आपके क्लास में इक्वल मेथड है तो सुपर क्लास का मेथड क्यों कॉल होगा। पब्लिक लिखो नहीं लिखो चलेगा, मगर अब इसका रिटर्न टाइप क्या था, बुलियन, बुलियन वेरिएबल लिखिए, और बुलियन में जावा के अंदर बुलियन स्मॉल का इसमें रहता है ना, बुलियन। और उसके बाद है तो मेथड का नाम आके आप मेथड का नाम हाँ जो रहेगा वही लिखिएगा, बुलियन, और उसके बाद इक्वल्स। अच्छा, मेथड का नाम इक्वल्स लिखे और उसका ऑब्जेक्ट का नाम है वो, क्योंकि हमें जब ओवरराइडिंग कर रहे हैं, ओवरराइडिंग का मतलब सुपर क्लास में जो मेथड है वही मेथड को हम डिफाइन कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट ले लिए तो अच्छा है, ऑब्जेक्ट वो भी जाए, वेरिएबल का नाम कुछ भी ले लीजिए, टाइप ऑब्जेक्ट है। तो कोड डिफाइन करते हैं, अब देखते हैं कि मेरा इक्वल मेथड मैं जो डिफाइन कर रहा हूँ वो कंटेंट को देखे, कंटेंट को देखना मतलब रिटर्न, ये वैल्यू रिटर्न का नेम, नेम के अंदर क्या है, किस ऑब्जेक्ट से वो कॉल हुआ था, ई वन से, आप ये देख सकते हैं, देखिए ई वन इक्वल मेथड ई वन से कॉल हो रहा है, ई वन के अंदर नेम क्या है, जेम्स है, ई वन जिस ऑब्जेक्ट से कॉल हो उसका नेम लेगा, डॉट, डॉट लिखने के बाद इक्वल्स, इक्वल्स, ये इक्वल्स आपको स्ट्रिंग क्लास का इक्वल कॉल होगा, क्योंकि आप नेम लगाए ना, नेम का टाइप यहाँ स्ट्रिंग है ना, इसलिए इक्वल्स क्लास का। और इसे देंगे ऑब्जेक्ट डॉट नेम,
ऑब्जेक्ट नॉन टेम्प, ऑब्जेक्ट मतलब ये है इसमें क्या भेजे तो तुम्हें E2 का नेम मिलेगा। ऑब्जेक्ट जो जब ऑब्जेक्ट पैरामीटर है ना उसे डॉट लगा के लेना पड़ता है, तो बट ये इसे डॉट नहीं लगता है, नेम बोले तो क्या जिस ऑब्जेक्ट से वो कॉल हुआ है ना इवन से उसका नेम को हाँ डायरेक्ट ले सकते हैं, बट कोई ऑब्जेक्ट आप पास किए हैं तो पैरामीटर के रूप में पास किए हैं तो वो पैरामीटर और डॉट वो मेंबर का नाम देना पड़ेगा। अब इसका देख सकते हैं, यहाँ पे नेम माने जेम्स होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट और नेम मानो ये जेम्स होगा। तो कभी भी ऑब्जेक्ट वो पास करो तो वो ऑब्जेक्ट को कोई भी पैरामीटर से आप रिसीव करने के बाद वो ऑब्जेक्ट डॉट नेम लिए तो उसका मेंबर मिलता है आपको। तो जो ऑब्जेक्ट इधर लगा रहे हैं आप, जो ऑब्जेक्ट वो कॉल हो रहा है उसका मेंबर को डायरेक्ट आप एक्सेस कर सकते। अच्छा, अब इक्वल्स मेथड कौन सा कॉल होगा? स्ट्रिंग क्लास का, क्योंकि स्ट्रिंग से कॉल कर रहे हैं। तो मैं नेम क्या है, नेम का टाइप ऊपर दिखाया था मैं, स्ट्रिंग है ये, स्ट्रिंग ये स्ट्रिंग, ये भी जेम्स है ये भी जेम्स है, इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। और उसके बाद फिर एंड तो आईडी भी कॉल, आईडी मतलब क्या है, आईडी मतलब तो ईवन का आईडी, डबल इक्वल टू, इसे तो डबल इक्वल टू, कोई फंक्शन को कॉल करने की जरूरत नहीं, इंटीजर को कंपेयर करना है तो ऐसा ही डबल इक्वल से काम कर ले सकते हैं। ओबीजे डॉट आईडी माने कि E2 का आईडी, क्योंकि E2 जो पास करते हैं उसे तो डॉट लगा के एक्सेस करना है, जिस ऑब्जेक्ट से यहाँ लगाते हैं जिस ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हैं उसका मेंबर तो डायरेक्ट एक्सेस होगा। ये भी तो 20-20 है, देखिए 50-50 है, सॉरी हाँ तो दूसरा लगा दिया हमने, तो इसमें 50 इसमें भी 50-50 है, ये भी ट्रू होगा। और ये इक्वल मेथड ये दोनों को भी स्ट्रिंगांग को देख के वो भी ट्रू देगा, ये भी ट्रू, बीच में एंड ऑपरेटर क्या करेगा दो भी ट्रू है तो कम्प्लीटली ट्रू हो जाएगा, वो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, ये ट्रू इसमें आएगा, अभी ट्रू प्रिंट होगा। अब इक्वल मेथड को कॉल करेंगे, हमारा लिखा हुआ इक्वल मेथड ही कॉल होगा, सुपर क्लास का क्यों कॉल होगा जब हमारे क्लास में जो जिस ऑब्जेक्ट से हम कॉल करें उस क्लास के अंदर इक्वल मेथड है तो सुपर क्लास में कॉल नहीं होगा। अभी तो ट्रू आएगा रिजल्ट, अभी तो कॉन्टेंट्स देखेगा। थैंक यू।